अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा सेकंड डे है और अब हम निकल गए हैं कलाम की तरफ। और अब देखो कब पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं। बाय द वे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे ये कलाम पहुंचते पहुंचते तो हमारा तीसरा दिन, चौथा दिन, पांच दिन लग गए ऑलमोस्ट, कोई हमारा दूसरा दिन नहीं है। ये मैंने व्लॉग में गलत कह दिया है, 5 डेज बाद हम अभी तक कलाम नहीं पहुंचे हैं। कुमराट कब पहुंचेंगे? क्योंकि बाहर बारिश हुई थी। और क्या नहर का पानी आ रहा है यार, लुक एट दिस, ये स्वाद है, ये स्वाद का पानी है, सब सब ग्लेशियर का पानी है। ओह माय गॉड, जबरदस्त किस्म का है, इसमें कब हम डुबकी मारेगा यार, वो याद नहीं। एंड दिस इज नहीं, क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हैं आज यार, कहीं तो पहुंचे हम। फिलहाल व्यू ही व्यू देखे जा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। लुक एट माय ड्रेस, आज इंडिपेंडेंस था तो मैंने सोचा चलो मल्टी कलर का, ग्रीन भी था बट मेरे ना अनफॉर्चुनेटली पैंट उसने धोखा दे दिया। ये ग्रैप यार्ड है, चला गया। ट्रैवल है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो फिर मैंने अपनी ही मस्तियाँ शुरू कर दी, टिकटॉकें बनाई हैं, डांस वांस ये वो, टाइम तो पास करना था ना। ट्रैवल 4-5 दिन हो गए ट्रैवलिंग करते हुए, भाई कुमराट नहीं पहुँचे अभी तक, कब ख़त्म होगा ये सफ़र। और ये फाइनली हम लोग कलाम पहुंच गए हैं 2-3 घंटे के ट्रैवल के बाद। सो स्टार्ट करते हैं कलाम से आगे का सफ़र। अब हम थोड़ा कलाम के होटल के थोड़ा से व्यूज़ वगैरह ले रहे हैं और गाड़ी अरेंज कर रहे हैं ताकि हम कुमराट जा सकें। गाड़ी वाड़ी अरेंज कर रहे हैं, रूम वगैरह अरेंज कर रहे हैं, देखो कौन सी गाड़ी फाइनल होती है, लेट्स सी। और कब हम कुमराट का सफ़र स्टार्ट करते हैं। कलाम तो आज हम रहने वाले नहीं हैं, कुमराट ही निकलेंगे आज ही, कल हमारा कुमराट का व्लॉग होगा। यहाँ से हम जीप करेंगे और कुमराट जाएंगे, और 5 आवर्स और लगेंगे हमें कुमराट पहुँचने में। हाँ, अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाय द वे। तो यहाँ बैठ के कुछ बात करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ये सारा व्यू है यार, क्या खूबसूरती है। असली खूबसूरती तो कुमराट में मिलेगी जहाँ हम कैंपिंग करने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा। अच्छा गाइस, आप ये देख रहे हैं, ये हमारी लोकेशन है कलाम की, और अब हम यहाँ से जीप पकड़ के वापस जाएंगे कुमराट। मैं यहाँ इस वक्त अपनी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई हूँ, तो साहब मैंने सोचा जब तक गाड़ी नहीं हो रही है व्लॉग शूट कर लें। उफ बाल इतने वो हो गए हवा में, उफ बहुत रस्ते में हवा चल रही है, रात को तो इतनी तेज बारिश हो रही थी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। हम लोग झंडा लेना भूल गए, अभी तक झंडा नहीं लिया, हमें झंडा ही नहीं मिला रास्ते में, लेकिन हम ले लेंगे। आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे कैसे गुजर रहा है मुझे बताएं, मेरा तो बहुत मस्त गुजर रहा है, हवाओं में, फिजाओं में, अबशारों में, पहाड़ों में, क्या मज़ा है यार, जिंदगी का मज़ा यही है, ये रहना चाहिए। कराची की धूल मिट्टी, लेकिन कराची कराची है यार, लेकिन
सवाल भी कुछ कम नहीं है। हर चीज की अपनी खूबसूरती होती है, कराची की अपनी खूबसूरती है ना। Am I right? तो अब हम ये गाड़ी छोड़ेंगे, यहाँ से जीप पकड़ेंगे और फाइनली पहुंचेंगे कुमराट, जहाँ हमें जाना था। कुमराट, कुमराट, where are you? यार इस होटल की एक अच्छी सी खूबसूरती है, वो दिखाती हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है बाइक। ओ थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा, पर ये ऐसे क्यों हो गया? ओके थोड़ा सा ये उतार देते हैं, थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा। हम चलते हैं थोड़ा सा गेट तक, ये वो वाले गेट तक। अच्छा है, अंधेरा है लेकिन वहाँ पर चलो खैर है, कोई बात नहीं। यहाँ चलते हैं फ्लावर्स की तरफ, यहाँ से हमारी गाड़ी भी नज़र आ रही होगी आपको, ब्लैक वाली। और ये पूरा कुमराट, और ये अपने कलाम है, सॉरी। ओ माय गॉड, टू ब्यूटीफुल, आई लव दैट प्लेस। ओके अब हम इस गाड़ी में बैठ के ना कुमराट जा रहे हैं, हमने गाड़ी स्विच कर ली है, कुमराट में मिलते हैं। ये कुमराट का पुराना बाजार है, सॉरी कुमराट नहीं, कलाम 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 का पुराना बाजार है। हमारी गाड़ी है, हमारी हाड़ी हो रही है, टड़िंग। अच्छा भाई फाइनली हमारी, अब ये थर्ड जीप भी है ना चेंज, सेकंड जीप हमारी चेंज होने वाली है कुमराट के लिए। अब हम दोबारा किसी और जीप में शिफ्ट होने वाले हैं। तो यहाँ का व्यू चलो मैं तुम्हें आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पे ना बड़े अच्छे से ना नाशपतियाँ लगी हुई हैं और फ्रेश एकदम नज़र आ रही है। और भी बहुत कुछ है, चलते हैं उसकी तरफ, वो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 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 कुत्ता, मज़ा आ रहा है यार, मतलब क्या व्यूज है, आउट क्लास, बहुत मज़े की जगह है। आपको फ्रंट व्यू दिखाऊं, ये देखें, और अभी जो मैं क्रॉस करने लगी हूँ ना वो है ये वाली जगह, यहाँ से दिखाते हैं क्योंकि हम ही क्रॉस कर रहे हैं। ये है, ओहो क्या खूबसूरत है, ये मेरे व्लॉग गाइस, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं ना मेरे साथ, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब हम दूसरी जीप पर बैठेंगे, फाइनली जीप रेडी हो गई है, हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं कुमराट में। सफ़र इतना खूबसूरत है यार, तो कुमराट में कैंपिंग करते हैं, मज़ा ही क्या होगा। जा रहे हैं ना प्राडो, प्राडो प्राडो में जा रहे हैं आगे कुमराट।
इंडिपेंडेंस डे फाइनली। कुमराटो में जा रहे हैं, चेंज किया हमने कुमराट के लिए क्योंकि वो गाड़ियाँ नहीं जाती, पता ही होगा सबको। ये था भाई पूरा ब्रिज है जो हमने क्रॉस किया, एंड नाउ वी आर हियर। क्या रास्ता है, बड़ा ही भाई कुमराट का रास्ता तो ऐसा था जैसे हम किसी रोलर कोस्टर में घूम रहे हैं, और वो भी 8-9 घंटे के लिए। ज़मीन से आसमान तक जाने का सफ़र बड़ा ही लंबा था और बहुत ही डम डम डुम डुम परेशानी हो गए थे हम तो। रास्ते में गाड़ियाँ फंसी हुई थी, माशाल्लाह से हमने इतनी अच्छी गाड़ी करी थी कि वो बिल्कुल ठीक थी। रास्ते में गाड़ियाँ ख़राब हो रही थी, टायर पंक्चर्स हो रहे थे क्योंकि रास्ता ही इतना ख़राब था, इतना डेंजरस था। बट हमारी प्राडो भाई, प्राडो थी हवाई जहाज़ था वो, उसने हमें कहीं नहीं रोका, नॉन स्टॉप कुमराट पहुँचाया। तो हम लोग पहुँचे कुमराट, पूरा रास्ता यही रोलर कोस्टर बन के। रात में हमारी हालत जो बैंड हुई है ना, वो आपको पता चलेगी अभी मेरे जब रात का देखेंगे एंड में, तो वो जो हमारी हालत हुई है ना भाई, सर चकरा गया था, उल्टी आने लगी थी क्योंकि वो गाड़ी बैलेंस नहीं थी ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। व्यूज़ आ रहे थे अच्छे अच्छे मज़े मज़े के, ये सब व्यूज़ मैंने शूट किए हैं कुमराट में ऊपर चढ़ते वक्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो बेचैन हो रही थी कि कब कुमराट आ जाए, लेकिन आज के दिन नहीं आने वाला कुमराट भाई, सफ़र बहुत लंबा है। बस व्यूज़ ही व्यूज़ थे कुमराट के ऊपर, हम चढ़ते चले जा रहे थे और नज़ारे होते चले जा रहे थे, सीन्स दिखते चले जा रहे थे, बस इसी से हम खुश हुए चले जा रहे थे। कुमराट नहीं आ रहा था, लेकिन ये सिर्फ रास्ता ही था, लेकिन बहुत ही मतलब कितना ज़बरदस्त एक सीनरी है ये, एक तरह से बहुत मज़े की, मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय हो रहा था यार। वाकई में सफ़र भी बहुत अच्छा था, मतलब एडवेंचरस था, और इस सफ़र को तय करना भी बहुत मुश्किल था, और गाड़ी भी अच्छी सिलेक्ट कर ली हमने। अगर बाय चांस कोई बुरी होती तो फिर हम बीच में लटके रह जाते हैं, यहाँ पे कोई टो करने वाला भी नहीं है, कोई मैकेनिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप खड़े रहो, किसी से लिफ्ट लो, पता नहीं क्या अख्वारी हो सकती थी, बट अल्लाह ने हमें बचाया भाई। अच्छी गाड़ी भी अरेंज कर दी और व्यूज़ भी हमें अच्छे अच्छे मिल गए भाई। अल्लाह की क्या खूबसूरती है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह वाह वाह। हमारा ड्राइवर हमारे साथ था तो वो हमें बताता जा रहा था कि भाई ये एक वक्त सैलाब आया था, तो ये सारा जो सिटी था ये डूब गया था पूरा, और बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई, यहाँ पे बहुत खूबसूरती हुआ करती थी, पानी रह गया इतना सारा, सैलाब आते हैं जाते रहते हैं और तबाही भी बहुत लाते हैं, लोग भी बहुत मरते हैं। ये पानी ख़तरनाक है चलता हुआ, मतलब इसकी ढलान वाली है ना पानी, रुकता हुआ पानी होता है ना, इंसान उसमें नहा लेता है, इसमें तो बंदा बह जाए। आखिरी कोने में, सवात के कोने में मिलेगा, सवात के गटर में। कुमराट से आप गिरो ना तो आप सवात के गटर में मिलोगे, बिल्कुल लास्ट में जहाँ सवात वाले ख़त्म हो रहा है। बहरहाल उनकी स्टोरी सुन के तो मुझे बड़ा वो हुआ, बेचारे कैसे लोकल लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, लेकिन भाई लोग करते हैं, उनका एरिया है, वो लोग करते होंगे। यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कह रही हूँ ये खूबसूरती रिसोर्सेज से भरी हुई है, हमारी गवर्नमेंट चाहे तो पता नहीं क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर ले इधर से, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, पत्थर हैं, स्टोन्स इतने ज़बरदस्त हैं। पानी की तो हमारे पास कमी होनी नहीं चाहिए, इतना पानी आ रहा है यार, लोग कहते हैं पानी की कमी है, कैसे कमी है पानी की भाई, कोई कमी नहीं है, सब झूठ है। और यहाँ पे मतलब
काम की भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। फर्नीचर की फैक्ट्री लगा लो, फर्नीचर, टाइल्स, स्टोन्स, महंगे महंगे स्टोन्स, भाई सब कुछ मिलता है भाई यहाँ। मतलब अल्लाह पाक ने यहाँ पे सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं, बस एक्सट्रैक्शंस करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, नो मनी, वो कंगली है, डेट पे चल रही है। चलो भाई, कुम्हराट के रास्ते में फाइनली पहाड़ों के अलावा कुछ घर भी नजर आए, कुछ कुछ तो नजर आया, कोई टूरिस्ट पॉइंट तो नजर आया, वरना मैं तो पहाड़ पानी देख देख के और बस ये हरे भरे पहाड़ देख देख के ही आंखों में वही बस गया था। कुछ घर तो दिखे, कुछ अलग चीज तो दिखी वरना तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इधर चलो, इधर चलो, जाने का काम है, इधर चलो, पर मैं सुनूंगा नहीं। ये मैंने क्या बोला? मैंने कहा शाम हो, चलिए रूफ टॉप पे चढ़ जाओ, थोड़ी वीडियो शीडियो बना लेते हैं, व्लॉगिंग कर लेते हैं। ये देखिए साइड देखिए साइड, और ये मेरे साइड के ऊपर भी जंगल चल रहा है, पूरा फॉरेस्ट है यार, क्या ग्रीनरी है, फुल ग्रीन। मतलब ये जगह मुझे बहुत पसंद है यार, मैं फिर आऊँगी। इसी तरह अभी हम कैंपिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहे भाई। रोलर कोस्टर का बढ़िया लग रहा है। बादशाह एक
जगह ही कुछ और है यार, मतलब आई लव दिस प्लेस। सबको आना चाहिए, सबको एडवेंचर्स करने चाहिए, बता यही की तो जिंदगी है। अच्छा भाई हम रुके हैं यहाँ पे, देखिए गाड़ी ख़राब हो गई है बेचारी, आगे वालों को टायर पंक्चर था तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये लोग बेचारे जाना उसको हटाएंगे तो हमारी गाड़ी आगे जाएगी, तो फिर जब तक हम क्या करें। हम लोग गाड़ी से उतर गए, हमने कहा नहीं भाई हम रिस्क नहीं लेगा, तो खुद ही रिस्क ले ड्राइवर। जवानी है और तुम नहीं हो। हम लोग कितने सेल्फिश है ना, बेचारे ड्राइवर को अकेले छोड़ के हमने उसको गाड़ी का बोला है भाई तू निकाल, भाई हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ से एक ही गाड़ी निकल सकती है और वो बहुत मुश्किल से निकाल रहा है यार, बहुत मुश्किल से, मतलब इट्स वेरी डेंजरस। मैं तो उतर गई, मैंने कहा भाई मैं नहीं बैठूँगी भाई, मैंने अपनी जान नहीं देनी ज़रा सी भी, बट अल्लाह खैर करेगा, निकलेंगे निकलेंगे सारे निकलेंगे। और ये हमारी गाड़ी निकली 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 और निकल गई, ये चलो भाई गाड़ी में बैठ जाते हैं। चुकी है अभी तक हम घाट नहीं पहुँचे हैं, अभी थल पहुँचे, जैसे बोला थल पहुँचे, थल थल एक घंटे की ड्राइव है, एक घंटे की मोर, वन आवर मोर, कुमराट कुमराट, ओ माय गॉड, बट वादी है कुमराट, वादी कुमराट, ओके। बट आई हैड सो मच फन, इट्स लाइक एडवेंचर, बहुत ज़बरदस्त, पता नहीं कितना ऊपर आ गए बट अभी तक घबराहट नहीं आया, सब कुछ आ गया, हशर पूरा हो गया। हाँ शाम होने लगी है, फाइनली गाइस कुमराट हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोग कैंपिंग करें, तो अब हमारा कैंप रेडी हो रहा है, अभी तो फ़िलहाल हम लोग रेस्टोरेंट में रुके हैं, खाना खाएं, कैंप रेडी हो रहा है, जैसे ही हमारा कैंप रेडी होता है हम वहाँ पे स्टे करेंगे। बहुत थक गए हैं, रास्ता बहुत लंबा था, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए अंदाज के साथ,
और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, फिर मैं आपको अपने कैंप का पूरा व्यू भी दिखाऊंगी और सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो भाई ऐसी हालत है कि बस बाय बाय करना है और सो जाना है। तो अपने ख्याल रखें और सुबह मिलते हैं, फिर सुबह दिखाएंगे व्यूज़। फिलहाल हम खाना खाने रुके हैं, उसका व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह से है ये, देखें कुमराट के अंदर। हम लोगों का मेन मकसद ही यही था, कुमराट आने का पर्पज़ ही यही था। बाकी उसके बाद हम नारायण कालाम ये सारी जगह तो जाएंगे, लेकिन कुमराट की कैंपिंग हमें करनी ही करनी थी। पर्पज़ हमारा इस टूर का यही था कि हमने कुमराट जाना है। कुमराट हम पहुंच गए, पर्पज़ अचीव हो गया है ऑलमोस्ट, मेरी शक्ल बता रही होगी। अब बाकी जो जगहें हैं वो आएंगी, वो देखेंगे, वो भी वीडियो शूट करेंगे, वो भी ऐड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।